नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का वीडियो हमारा चलने वाला है, एक बहुत अच्छी आर्म्स डील हुई जिसमें पता भी नहीं चला लोगों को कानों कान, और अमेरिका से इंडिया ने एक आर्म्स डील फाइनल कर दी ताकि अपना जो मिलिट्री का बेस, मिलिट्री के साथ साथ एयरलाइंस और एयरलाइंस के साथ साथ मरीन लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा पीड़ा उठाया। एक ऐसा पीड़ा उठाया जिसके अंदर आज के दिन अगर बात की जाए तो जैसे ये डील फाइनल हो चुकी है, वेपन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही टाइम के अंदर अंदर, तो अब इंडियन ओशियन पर भारत की जो नेवी है उसकी और अच्छी पकड़ बन जाएगी, और इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी कि जो अलग अलग कंट्रीज जो हैं इंडियन ओशियन पर भारत का कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन आर्मी को या नेवी को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आगे आने वाले टाइम पीरियड में एक करारा जवाब मिलेगा। अब जो न्यूज है वो न्यूज क्या है कि यूएस ने अप्रूव कर दी है सेल ऑफ मिसाइल्स और टॉर्पेडोज। इन दोनों वर्ड्स को याद रखना, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। इन दोनों को फाइनलाइज करने के लिए 155 मिलियन की डील करी है इंडिया के साथ सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट। सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट, इन तीनों वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। सबमरीन बेसिकली आपके ऑब्वियसली बात है मरीन के लिए आता है, पानी से संबंधित यानी कि समुद्र के लिए, और एयरक्राफ्ट आप सभी समझ गए। तो अब इस परिस्थिति के अंदर दो तीन सवाल उठकर आ रहे हैं। सवाल नंबर एक उठकर आ रहा है जो अलग अलग स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो फोन कर करके आंकलन लगाते हैं, वो क्या है कि सर अभी थोड़ी देर पहले इंडिया ने अमेरिका को दवाई देने से मना किया, और जब दवाई दी तो कहीं इस शर्त पर तो नहीं दी कि हम वेपन ले लेंगे, तो इसका भी जवाब देंगे हम। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का अक्सर उठता है कि सर मंदी के दौर में जहां पर देश आर्थिक जो है डिप्रेशन से गुजर रहा है, उस परिस्थिति के अंदर इतना भारी पैसा कहां से लगाया जा रहा है, यह भी एक सवाल बनता है। तो इस प्रकार के जो सवाल है उनके भी जवाब देंगे, प्लस इनको खरीदने से बेनिफिट क्या होने वाला है, और क्या ये एक सवाल और रह गया बच्चों का कि क्या ये इसलिए खरीदे जा रहे हैं ताकि चाइना से जंग जीती जा सके, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेंगे। साथ ही साथ हम जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को डिस्कस करते जाएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डिफिकल्टी जोन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास हमारा जो YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको शेयर कीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज इस प्रकार की मिलती रहे और आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहे, एग्जाम में लिखने के लिए आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट हो। हमारे को फॉलो आप कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम ऐप पर PDF के लिए, और इसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार से PCS UPSC के एग्ज़ाम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्दर तैयारी करना चाहते हैं और एक सपना देखा IAS का पूरा करना चाहते हैं, तो ये एक सही रास्ता है, सही जगह है जहां से आपको ये सभी प्रकार की सही गाइडेंस और सही सिलेबस की नॉलेज मिलेगी। तो अगर ज्वाइन करना हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हमारे पास सबसे बड़ा एक सेक्शन आ रहा है, जैसे आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि इंडिया इज मेजर डिफेंस पार्टनर फॉर US। अब इस मेजर डिफेंस पार्टनर की बात सुन लीजिए, मेजर डिफेंस पार्टनर का मतलब ये कि डिफेंस के आधार पर यूएस के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उनमें से इंडिया भी एक पार्टनर बन चुका है। और ये जो डिफेंस पार्टनर है ये आज से नहीं बना है, ये 2016 में बना था जिसके अंदर भारत और अमेरिका के काफी अच्छे संबंध बन रहे थे, तो इस परिस्थिति में डिसीजन लिया गया कि दोनों एक दूसरे से एडवांस्ड और सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया तो ऐसी टेक्नोलॉजी में अभी आगे नहीं है, तो ये अमेरिका से खरीदेगा, और ये तभी खरीद पा रहा है जब इन दोनों के काफी आपस में संबंध अच्छे हैं, कॉपरेशन अच्छा था, तो फ्यूचर को देखते हुए आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए इंडिया को यूएस ने अपना एक डिफेंस पार्टनर बनाया। अब इस पॉइंट पर हमारे दो सवालों के जवाब हाथों हाथ मिल गए। पहला सवाल क्या था कि क्या दवाई जो बेची या दवाई नहीं बेची उसका आपस में कोई संबंध है, तो इस बात का जवाब यहां पर क्लियर निकलता है नो।
क्यों निकलता है? क्योंकि डिफेंस पार्टनर इंडिया 2016 में था, काफी स्ट्रॉन्ग टाइप से। तो मेडिसिन जो इशू आया है ये फरवरी के अंदर आया है, और जबकि इन वेपन्स की डिमांड जो थी काफी समय से चलती आ रही थी, लगभग दिसंबर से या नवंबर से इनकी डिमांड चलती आ रही थी और इनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन इस प्रकार की स्ट्रेटेजीज के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, आपस की डीलिंग्स को फाइनल करने के अंदर टाइम लग जाता है, तब जाकर ये आपस की बॉन्डिंग आती है। तो हमारा एक सवाल जो यहां पर जवाब क्लियर बनता है कि मेडिसिन का अदली बदली, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं था। मेडिसिन सिर्फ इसलिए रोकी जा रही थी जस्ट बिकॉज इंडिया के पास खुद का इतना अच्छा कोटा नहीं था। जब ऊपर से दबाव आया तो ऑटोमेटिकली इंडिया ने अपनी स्पीड बढ़ाई और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है वो सभी के लिए इस समय प्रिपेयर की जा रही है, खाली इंडिया के लिए नहीं सभी देशों के लिए। तो यहां पर ये पॉइंट गलत होता है जो आपका क्वेश्चन था। अगला सब पॉइंट यहां पर क्रिएट होता है कि डिफेंस पार्टनर ने ओपन डोर्स किए इंडिया के लिए, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स का कहना है। तो कॉमन सी बात यह कि इंडियन आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए प्लस अपने अपोजिशन में रशिया, चाइना या फिर ईरान जैसे कंट्रीज को बढ़ती हुई पावर के रूप में देखते हुए किसी ना किसी प्रकार से अमेरिका को एशिया के अंदर कोई एक स्ट्रांग होल्ड कंट्री चाहिए जो इन सब का अपोज कर सके, और अपोज ना भी करे तो अमेरिका को एक स्टैंड मिला रहे जो इनकी सपोर्ट के लिए खड़ा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना का इस समय सबसे बड़ा अपोजिटर अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। तो इन परिस्थितियों के अंदर जो एशिया और पैसिफिक, जो आपके जो एशिया हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, साउथ ईस्ट का जो सेक्शन हो गया, उसके अंदर स्ट्रांग होल्ड पाने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने इस प्रकार से इस डील को फाइनलाइज किया। ये 2016 का पॉइंट है दोस्तों, व्यापार अब हुआ है और 2016 में ये डील साइन हुई थी आपस में। जो मेजर डिफेंस पार्टनर बने थे ये 2016 में बने थे और 2020 में हथियार खरीदे गए। तो आपके कुछ सवालों के जवाब अपने आप मिलने लग जाएंगे। इसका एक मेन पर्पज था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी इश्यूज और जो इस तरीके के डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना था हर तरीके से अपने पार्टनर्स का। इस वजह से ये डील फाइनल हुई थी। अब आगे अगर पॉइंट पढ़ते हैं तो अब न्यूज क्या है, न्यूज आई हमारे पास इस प्रकार की। सबसे पहली न्यूज क्या है कि यूएस ने हार्पून्स ब्लॉक 2 मिसाइल और MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडोज 155 मिलियन के अंदर आर्म्स द डजन पोसाइडियन 81 है, ये एक एरोप्लेन के लिए है, ये भी आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक्वायर्ड बाय इंडिया, ये इंडिया के द्वारा हार्पून मिसाइल, MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडोज, इन दोनों को परचेज किया गया, जिसको पोसाइडियन 8 या आई इंडिया को डिनोट कर रहा है, जिसमें लॉन्ग रेंज का वार करने की क्षमता होगी। इसे जल थल दोनों जगह वायु पर वार किया जा सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट जो होगा समुद्र पर होगा, जिसमें पानी के जितने भी जहाज होंगे जो इल्लीगल तरीके से घुस रहे होंगे या किसी भी प्रकार की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वहां पर ये हथियार जो है बहुत कामयाब सिद्ध होंगे। इनके लिए माना जाता है कि किसी भी प्रकार के शिप या किसी भी प्रकार की सबमरीन को भेदने के अंदर बहुत कामयाब है। ये इस लिए खरीदे गए ताकि इन्हें वॉरशिप में तैनात किया जा सके। अब अगर बात की जाए तो इनके लिए ये बात आई कि पेंटागन ने मंडे को नोटिस दिया यूएस कांग्रेस ने और डिसीजन लिया सेल करने के लिए कि भाई 10 हार्पून सेल किए जाएंगे, 10 हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल जो कि 92 मिलियन का साइन हुआ है, और 19 MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडोज सेल किए जाएंगे जो 63 मिलियन का साइन हुआ है इंडिया के साथ। कई जगह पर यहां पर ये कन्फ्यूजन आ रही थी लोगों को कि सर ये 19 है या 16 है। तो दोस्तों आपको हिंदू का न्यूज़पेपर देख लीजिए और ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर लीजिए, वहां पर 19 MK-54 है, 16 MK-54 नहीं है। यहां पर ये काउंटिंग का थोड़ा इशू है, कई बार गलत हो जाता है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो अब इस हार्पून मिसाइल को या जो ये हार्पून मिसाइल है इसे वही मैन्युफैक्चर करेंगे जो एरोप्लेन्स में बोइंग एरोप्लेन्स को प्रिपेयर करते हैं, और टॉर्पेडोज को रेथन के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। अब अगर बात की जाती है तो ये पेंटागन ने जो मिसाइल और टॉर्पेडोज जो इंटीग्रेटेड P-8I एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, बाय इंडिया टू कंडक्ट मिशन,
इन डिफेंस ऑफ क्रिटिकल सीलिंग्स, समुद्री इलाकों में जो घुसपैठ है। इसके बाद इंटर ऑपरेशनबिलिटी वर्ड है, इंटर ऑपरेबिलिटी, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, तो इंटर ऑपरेबिलिटी विद द यूएस एंड अदर अलाइंड फोर्सेज, यानी कि यूएस और उसके साथ में जितने भी अलाइंड फोर्सेज हैं उनके साथ में अगर कोई पंगेबाजी करता है तो डिफेंस फोर्सेज को स्ट्रांग करने के लिए, आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए ये एक सपोर्ट किया गया है। इंडिया इससे अपनी एबिलिटी को एनहेंस करेगा, कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगा, और जितनी भी प्रकार की रीजनल थ्रेट्स हैं, रीजनल थ्रेट्स का मतलब ये, अब जैसे इस इशू को समझना है कि चाइना क्या कर रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जो अपना जैसे ये सपोज ये चाइना है, तो ये चाइना जो है इधर से जितने भी कंट्रीज हैं उनको परेशान करता हुआ, उनके डिस्प्यूट्स को दबाता हुआ, हार्ड पावर नीति का अपना इस्तेमाल करके अपनी ताकत को दिखाकर वो इस समय इंडियन ओशियन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और जो इंडियन ओशियन है यहां पर अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना के समुद्री जहाज दिखाई दिए, वॉरशिप, जिसमें चाइना ने, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 वॉरशिप यहां पर तैनात कर दिए, 8 वॉरशिप तैनात कर दिए। अब ये वॉरशिप जो है, जाहिर सी बात है, इंडिया का हालचाल पूछने के लिए तो खड़े नहीं किए गए होंगे, तो कॉमन सी बात है कि किसी भी प्रकार का इंट्रूजन करने के लिए, दखलंदाजी करने के लिए, नजर रखने के लिए, इंडियन पावर को नापतोल करने के लिए ये वॉरशिप तैनात किए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इंडिया को अपने वॉरशिप्स को, अपनी टीम को स्ट्रांग करने के लिए कोई कमी नहीं उठानी चाहिए। तो सवाल का जवाब आता है नंबर 2। सवाल का जवाब नंबर 2 क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भाई मंदी के दौर के अंदर ये इतना बड़ा सेक्शन कैसे खरीदा गया? दोस्तों याद रखिएगा कि हर एक कंट्री के अंदर डिफेंस की परचेजिंग के लिए, डिफेंस के इंपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन, हर बार जो टोटल कलेक्शन जीडीपी आता है उसका एक हिस्सा हमेशा रखा जाता है, हमेशा परचेज किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर रोज खरीदे जाएं, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो उस हिस्से का इस्तेमाल करके परचेजिंग की जाए। याद रखिएगा वो वाला सेक्शन किसी भी प्रकार से, वो सेक्शन किसी भी प्रकार से आपकी नॉर्मल लाइफ को या इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा होता कि हाँ भाई रनिंग इकोनॉमी से, मार्केट से उठाकर या ऐसे कुछ परचेजिंग की जाती तो इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी डिस्टर्ब होता है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आ जाती है हमारे पास जो हमने बात करी हार्पून मिसाइल्स की। तो सबसे पहली चीज, हार्पून मिसाइल कुछ इस प्रकार की होती है, ऑल वेदर के अंदर काम कर सकती है, हॉरिजॉन्टल काम कर सकती है, हॉरिजन में काम कर सकती है, एंटी शिप मिसाइल है, डेवलप की गई थी बोइंग डिफेंस के द्वारा, स्पेस सिक्योरिटी के द्वारा, ये मैकडोनल्ड जो पर्सन का नाम है, डॉगलास। अब इसकी बात की जाए तो स्लैम ने लैंड अटैक के भी वेरिएंट्स बनाए थे, इसके अंदर जीपीएस सिस्टम है तो वार करने में इसे बहुत आसानी होगी, और इस प्रकार के इन सेक्शंस में ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है। जिसके अंदर अगर बात की जाए तो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट AGM-84 में सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर होता है जिसमें ये काम कर सकती है। इसके बाद सरफेस शिप के अंदर ये लग सकती है, सरफेस शिप के बाद ये सबमरीन्स के लिए भी बहुत जबरदस्त काम करने वाली मशीनरी है। यूज करने के बाद में, जीपीएस लोकेशन एक्टिवेटर होने के बाद में, इस मिसाइल का जल्दी से डिस्टरबेंस, या बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये मिसाइल जल्दी से अपना रास्ता नहीं भूलती है, और अगर टारगेट लॉक करके शूट किया जाए तो अभी तक के रिकॉर्ड्स में जहां पर भी ये यूज किया गया है इसका निशाना सटीक पाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स होने के बाद में कहीं ना कहीं विदेशों की जो घुसपैठ होने की कोशिश है और इंडिया को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में यह एक बहुत वरदान की तरह साबित होने वाली चीज है। आगे बात करते हैं तो अब हमारे पास इस प्रकार के वर्ड आते हैं, टॉर्पेडोज क्या होते हैं। दोस्तों नेट पे टॉर्पेडोज देखे तो जब अलग अलग बात करी तो टॉर्पेडोज की बहुत सारी फोटोज आई, जिसमें MK-44, 46, 50, 54 और 48 इस प्रकार के थे। कई लोग इसको 48 को 54 बोल रहे हैं, कोई किसी को। तो दोस्तों सबसे पहली बात, शेप मैटर इधर इतना नहीं करेगा, लेकिन चार वेरियंट्स में से MK-50 और 54 दिखने में एक जैसे होते हैं। लाइट वेट है, हाइब्रिड टॉर्पेडोज है, लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पेडोज है, एंटी सबमरीन के लिए वॉरफेयर में यूज किए जाते हैं, और कितनी भी मोटी चादर हो अगर सबमरीन की उसे भेदने में ये कभी फेल नहीं हुए हैं, तो शिप्स के लिए और
इस समय नेवी को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छे काम है। इंडियन गवर्नमेंट वैसे भी अपनी डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए काफी काम कर रही है। कुछ टाइम पहले राफेल परचेज किए गए थे, राफेल के बाद अब ये टॉर्पेडोज और इस तरीके के MK-54 खरीदे जा रहे हैं, हारपून्स खरीदे जा रहे हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में इंडियन गवर्नमेंट का जो डिफेंस सिस्टम है वो कहीं भी वीक ना पड़े। तो अब आगे बात करते हैं, यहां पर आता है कि इंडिया का इश्यूज, इंडिया इश्यूज वार्निंग आफ्टर चाइना एंटागोनिज न्यू दिल्ली विद वारशिप इन इंडियन ओशियन। जैसा कि मैंने बताया कि चाइना ने अपने काफी सारे, वैसे तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपस में चाइना ने क्या किया है, अपना इंडिया को कवर करने के लिए समुद्री रास्ते पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के आधार पर बिंदु क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें से श्रीलंका का एक सेक्शन ले लिया, थाईलैंड का एक किनारा ले लिया, इसी प्रकार से मालदीव का एक सेक्शन ले लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर वो अपने ठिकाने बना रहा है, ताकि समय आने पर काफी अच्छे काम कर सके और इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव बना सके। तो कॉन्फ्लिक्ट जो बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ समुद्र का डिस्प्यूट चाइना बढ़ा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि चाइना जो है इस समय किसी ना किसी प्रकार के झगड़े के मूड में बैठा हुआ है। तो अब आ जाती है बात कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया और चाइना हैज पोटेंशियल टू बिकम रियलिटी आफ्टर बीजिंग डिप्लॉयड 7-8 पीपल्स लिबरेशन एयर नेवी वॉरशिप इन इंडियन ओशियन रीजन्स। इंडियन ओशियन रीजन्स के अंदर ये देखे गए, हालांकि हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, इन्होंने सीधा देखते के साथ ही उनसे कंफर्मेशन लिया, और अगर ऐसे कोई सर्विलांस के लिए आए हैं तो उन्हें चेतावनी दे दी। हालांकि अगर ऐसे में आए हैं तो चेतावनी देना इंडियन ओशियन पर कंट्रोल के आधार पर इंडिया, इंडियन जो नेवी का है वो अधिकार है, क्योंकि वो उनके नियर बाय कंट्री है, तो उन्हें अपने आप को सिक्योर करना कंपलसरी है। अब इस पे बात आती है कि इंडियन नेवी का जो चीफ है, एडमायरल है करमबीर सिंह, उन्होंने कंफर्म किया प्रेजेंस को इंडियन ओशियन में चाइना के अलग अलग शिप्स के बारे में। अब पार्ट है ये सारे के सारे, एम्बिशन है उनका कि बिल्ड करे और प्रोटेक्ट करे ग्लोबल ट्रेड रूट। इसका एक पर्पस ये भी है कि चाइना अपना ट्रेड रूट और स्ट्रांग करना चाहता है, और ये चाहता है कि ये देखना चाहता है कि इंडिया कहां तक उसको रोक सकता है, तो इस परिस्थिति में वो आगे बढ़ता जा रहा है। इस परिस्थिति में उसे वार्निंग दी गई, एडमायरल के द्वारा वार्निंग दी गई कि इफ एनीवन ऑपरेट्स इन आवर रीजन दे हैव टू नोटिफाई अस फर्स्ट, कि अगर इस प्रकार की घुसपैठ करी तो ठीक नहीं होगा, आपको पहले मुझे नोटिफाई करना पड़ेगा, इंडियन नेवी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि बिना अंदाजे के कभी पता चले और झगड़ा बढ़ जाए। इंडियन नेवी रिलीज अ स्टेटमेंट सेड दैट कि डॉर्नियर स्क्वाड्रन ENC INAS 311 ऑपरेटिंग फ्रॉम द एयर स्टेशन हैज बीन अंडरटेकिंग रेगुलर मरीन टाइम सर्विलांस मिशन। उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर इंडियन ओशियन पर, इंडियन बॉर्डर पर काफी बार ऐसी चीजें दिखाई दी हैं जो किसी ना किसी प्रकार से सर्विलांस करती हुई नजर आ रही हैं, और अगर सर्विलांस करती हुई नजर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है घूमने फिरने नहीं आ रहे होंगे वो, उनका कोई ना कोई मंसूबा होगा, कोई ना कोई मुद्दा होगा। जबकि ऐसी परिस्थिति में हर एक देश जानता है कि अगर आप किसी दूसरे देश के बॉर्डर पर बिना परमिशन के घूम रहे हो तो झगड़े होने के आसार बहुत ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में या तो ये हो कि इंडियन के वॉरशिप को भी, इंडिया के वॉरशिप को भी चाइना के समुद्र के आसपास घूम लेना चाहिए भाई, एक तो तरीका यह बन जाता है कि अगर चाइना घूमेगा तो भाई इनको भी अपने शिप्स छोड़ देने चाहिए। लेकिन इंडिया हमेशा से सॉफ्ट पावर का रूप रहा है, अगर इंडिया सॉफ्ट पावर का रूप रहा है तो इंडिया कभी शुरुआत में पंगेबाजी नहीं करता है। अब अगला सवाल आता है कि अगर आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी और चाइना की आर्मी से कंपैरिजन किया जाए तो एक काफी बड़ा गैप नजर आता है कि इतनी बड़ी आर्मी चाइना की है, लेकिन वर्ल्ड में दूसरे नंबर की सबसे स्ट्रांग आर्मी इंडिया के पास है। तो चाइना को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इतना आसान नहीं होगा जितना चाइना सोच रहा है, इतना आसान नहीं होगा जितना चाइना सोच रहा है टेक ओवर करना या किसी भी प्रकार का दस्तगल अंदाजी देखना, वो बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए फूक फूक के कदम लिए जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन कॉमरेड एडमायरल ने टोका, वापस भाग गए, वापस चले गए, सेम इसी प्रकार से एक एक कदम बढ़ा रहे हैं कि कहीं एकदम से जल्दबाजी में नुकसान ना हो जाए, और अगर परिस्थिति आई तो दोनों देशों में से
बेशक हार किसी की भी हो, लेकिन दूसरे देश के लिए जिंदा बचने के या उस एक तरीके से व्यापार करने के, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी आसार नहीं होंगे, और वो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा। और आपको एक बात बता देते हैं, चाइना खुद भी नहीं चाहता कि इस समय किसी भी प्रकार का वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो, क्योंकि एकदम से पूरा का पूरा वर्ल्ड लगभग 100 साल पीछे पहुंच जाएगा। तब आगे बात करते हैं कि भाई ये P-8I एयरक्राफ्ट क्या है। P-8 असलियत में US नेवी का एयरक्राफ्ट है। आई का मतलब होता है इंडिया, जो इंडिया के लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन किए जा रहे हैं। अब P-8, अब कई बच्चों का सवाल ये भी रहता है कि सर P-8 डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहे, इंडिया के लिए स्पेशल डिजाइन क्यों किए जा रहे हैं। तो भाई हर कंट्री अपने मौसम, अपनी डिमांड्स के अनुसार अपने हथियारों को तैयार करता है, अपने एयरक्राफ्ट को तैयार करता है, अब अपने डिमांड्स के अनुसार तैयार करता है, मौसम के अनुसार, विभाग के अनुसार, और इंडियन डिमांड्स के अनुसार वो अलग तैयार होंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो इंडिया के लिए स्पेशली तैयार होंगे तो उनके कोड्स भी चेंज हो जाते हैं। जो बोइंग P-8 पोसाइडियन है, जिसे मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट कहा जाता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय बोइंग, डिफेंस स्पेस सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बनाया गया था। P-8 जो है बीइंग ऑपरेटेड बाय एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर एंड शिपिंग इंटरडिक्शन रोल्स के अंदर काम आता है। इसको आर्म्ड किया जा सकता है टॉर्पेडोज से, इसीलिए इसका बार बार नाम लिया जा रहा है, टॉर्पेडोज से, हार्पून से, एंटी शिप मिसाइल से और अदर वेपन से इसे क्या किया जाएगा, अच्छी तरीके से लोडेड किया जाएगा और तब जाकर ये प्रॉपरली इंडिया के लिए तैयार किया जाएगा। तब आ जाता है फाइनल एक डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि दोस्तों डीलिंग जो इंडिया और अमेरिका की इस समय हो रही है वो दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रही है, ताकि हर जगह स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस बना रहे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, प्लस इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया रीजन्स के अंदर इंडिया की जो प्रेजेंस है और मजबूत होती चली जाए, क्योंकि अगर यहां से प्रेजेंस वीक होती है तो बाकी धीरे धीरे जो अदर कंट्रीज की पावर है वो इंडिया से ज्यादा होती चली जाएगी। तो भाई दो ही तरीके हैं, या तो अपने आप को कंपटीशन से आउट कर लो, यानी कि आप अपने आप को कंपटीशन करो ही मत कहीं भी, या फिर आप कंपटीशन करो तो दुश्मन के अनुसार अपनी ताकत को बढ़ाने का, ताकत का आंकलन करने का और उसी प्रकार से तैयार होने का जज्बा रखो। तो इन डील से आपस के संबंध भी सुधरेंगे, प्लस सामने वाला जो अगर विरोध के चक्कर में है तो उसके भी कहीं ना कहीं पसीने छूटेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपके सभी सवालों के जवाब देने के बाद आपसे विदा चाहते हैं। आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।